इलेक्शन कमीशन एक भी निगरान हुकूमत को सलाह नहीं हुई इसके ऊपर। लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे इख्तलाफ की आवाजों को बंद नहीं करेंगे। जिस तरह आर्टिकल 19 ए में इतलात की मालूमात की रसाई का वादा है, हम एक्स को, हम ट्विटर को, हम फेसबुक को, हम इंटरनेट को, हम मोबाइल सर्विस को बंद नहीं करेंगे। तो मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करूंगा, सबसे पहली बात, जब 1996 में हमारे महबूब चेयरमैन इमरान खान ने बुनियाद रखी थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, तो उसके दो सुतून थे जो अभी भी कायम है। पहला एक करप्शन से आजाद निजाम, और दूसरा कि ताकतवर और कमजोर कानून की निगाहों में बराबर होंगे। इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। इसलिए आज के दिन सबसे अहम बात मेरे नजदीक यह है कि हमें अहद करना है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ या कानून की हुक्मरानी के बजाय जिस तरह जंगल का कानून पाया जाता है, हम पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और आईन की बालादस्ती को यकीनी बनाएंगे। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हमारे आईन के आर्टिकल 14 में इंसानी वकार की पामाली ना हो, चादर चार दीवारी की पामाली ना हो, बल्कि उसका तहफ्फुज हो। हमको यह हक करना है कि हम यकीनी बनाएंगे कि हमारे आईन के आर्टिकल 16 में जिस तरह पुरामन और गैर मुसल्ला इज्तमा का वादा है, हम ऐसे इज्तमा पर रेड नहीं होने देंगे। हमारे आईन में आर्टिकल 19 में जिस तरह आजादी है इजहार राय का वादा है, हम इख्तलाफ की आवाजों को बंद नहीं करेंगे। जिस तरह आर्टिकल 19 ए में इतलात की मालूमात की रसाई का वादा है, हम एक्स को, हम ट्विटर को, हम फेसबुक को, हम इंटरनेट को, हम मोबाइल सर्विस को बंद नहीं करेंगे। और आखिरी बात यह कि पाकिस्तान में 1970 से लेकर अब तक 12 आम इंतखाबात हुए हैं। पहले वाले को निस्बतन शफाफ कहते हैं का कहलाया जाता है। उसके बाद हर एक इंतखाब के ऊपर बशमूल 2024 के इंतखाबात 8 फरवरी को गैर शफाफ और फ्री एंड फेयर नहीं समझा गया, लेकिन एक भी इलेक्शन कमीशन एक भी निगरान हुकूमत को सलाह नहीं हुई इसके ऊपर, और इसकी वजह से एहतसाब का खौफ और कानून का डर ही नहीं पाया जाता। हम इस एहतसाब के खौफ को बात करेंगे, हम इस कानून के डर को जो है वो ऊंचा बुलंद करेंगे और उजागर करेंगे। यह हमारा अहम होना चाहिए आज का। और आपसे इजाजत लेते हुए मरहूम फैज अहमद फैज के अल्फाज में यही अर्ज करूंगा कि हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे जो लोहे-ए-वतन में लिखा है, हम देखेंगे जब जुल्म और सितम के कोहे दरा रूई की तरह उड़ जाएंगे। हम महकूमों के पांव तले ये धरती धर धर धड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कर कर करकेगी, जब अर्ज खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मर्दूद हरम मस्जिद पर उठाए जाएंगे, सब ताज उठाने जाएंगे, सब ताज गिराए जाएंगे, और नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, और उठेगा अनलहक का नारा जो मैं भी और तुम भी हो, और राज करेगी खल्क़े खुदा जो मैं भी और तुम भी।